हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हो आप सभी। तो टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 2 ऑफ क्लास 9th फ्रॉम बुक बिहाइंड। आज हम जो क्लास 9th की जो बुक है बिहाइंड, उसका लेसन नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। आज इसको हम स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली में क्या है कि ये चैप्टर है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका, है ना, इवेलिन ग्लेनी लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो फर्स्ट एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफी है, जो किसके बारे में है, जो इवेलिन ग्लेनी जो आपकी स्कॉटिश लेडी थी उनके बारे में है। फुल टाइटल क्या है इसका? इवेलिन ग्लेनी लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बड़ा एक्वर्ड और टाइटल है इसका, लिसंस साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी किसी भी साउंड को बिना सुने हुए सुनना, क्या पॉसिबल है? अगर फर्स्ट सेंटेंस को पढ़े हम, लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब बिना किसी साउंड को सुने हुए सुनना, बड़ा अजीब लग रहा है। एक्चुअली में ये ठीक है, ये आपका ऑटोग्राफी क्या होता है, कोई भी कथा, कोई भी ग्रंथ या कोई भी स्टोरी जो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि जो इवेलिन ग्लेनी है ना, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, बट शी वॉज अनेबल टू हियर इट। तब उनकी जो माँ होती है, तब ये 8 साल की है, तब इनकी माँ इनको आवाज देती है, बुलाती है, बट ये सुन नहीं पाते। तो इनकी माँ इस चीज को समझ नहीं पाती क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा आगे टाइम बीता रहता है, चलता रहता है, और ये 11 साल की हो जाती है। मतलब 8 साल के बाद आपका 8 ईयर्स इन्होंने क्रॉस किया, 9 किया, 10 किया, नाउ शी हैज बिकम 11 ईयर्स ओल्ड। अब कितनी हो गई है वो? 11 साल की। अब क्या होता है कि इन 3 साल में क्या होता है कि हर पेरेंट्स ऑब्जर्व कि हर रिजल्ट इज डिक्रीजिंग डिक्लाइन। इनके पेरेंट्स क्या देखते हैं कि इनका जो रिजल्ट है वो डाउन हो रहा है। तो शी वॉज वरीड। सिंपल सा होता है ना, जब बच्चे का रिजल्ट क्या होता है डाउन, तो पेरेंट क्या होते हैं भाई, फिर तो आप बताते हैं टीचर से मिल, बच्चों की आपत रिजल्ट क्यों डाउन जा रहा है, तो भाई स्कूल जाते हैं सिंपली, टीचर से मिलते हैं, तो टीचर्स इनको एडवाइस देते हैं ना कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, कि आप किसी भी एक स्पेशल डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है, क्या बताता है कि इनकी जो लिसनिंग नर्व्स है, जो इनकी जो निचले जो इनके जो लिसनिंग जो सेंस ऑर्गन्स है सुनने वाले, वो बहुत वीक हो गए। वो क्या हो गए? बहुत वीक हो गए। और होता क्या कि इन 3 साल में, ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं था, इनको मालूम था कि मैं सुन नहीं पाती, मुझे सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इवेलिन ग्लेनी ने, इन्होंने ये जो सारी बातें सारी प्रॉब्लम थी अपने पेरेंट्स से भी छुपाई, अब टीचर से भी छुपाई, इवन अपने फ्रेंड थे उनसे भी छुपाई। तो ये वजह थी उनका रिजल्ट क्या होता है डाउन, और फाइनली क्या होती है वो डेफ हो जाती है बेरी। अब होता क्या है, जब वो डेफ हो जाती है तो उनको ऐसे स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ पर ऐसे ही लोग पढ़ते हैं। तो वहां जाती है, जब वहां जाती है तो फर्स्ट टाइम वो एक गर्ल को, एक बच्चे को एक जायरो बजाता है, वो देखती है जायरोफोन, देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, तो देखती है, तो वो करती है कि मुझे भी सीखना है। लेकिन क्या वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ जितने भी टीचर्स थे मोस्टली ज्यादातर क्या थे कि सारे के सारे वो उसको ना ऑलवेज क्या डिमोटिंग हर डिमोटेड ना डिमोटिवेटेड क्या था कि हर समय वो उसको डिमोटिवेट करते रहते थे। लेकिन वहाँ पर एक तबला टीचर थे, वहाँ पर कौन थे, तबला टीचर थे, तो वो उस बच्ची का जो पोटेंशियल था, उसके अंदर जो एनर्जी थी, उसको भाप लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये कुछ कर सकती है। तो उसके पास आते हैं और बोलते हैं ठीक है ना, कि मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाऊंगा, और बोलते हैं कि म्यूजिक को तुम्हें फील करना है ना, यू कैन नॉट हियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू फील द म्यूजिक, कि जो भी म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट जब वेपन जब प्ले करूंगा या बजेगा, तो यू हैव टू फील इट बाय योर सेंस ऑर्गन्स, कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, क्या करना है कि तुमको उस म्यूजिकल वेपन को, इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, फील करना है। और उन्होंने वही फील किया, उन्होंने क्या किया, वही किया, म्यूजिक को फील कर रही है वो, कि किस तरीके उसका रिदम बन रहा है, किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, कितनी स्पीड पर कैसे वाइब्रेट, वो सब उन्होंने फील किया। और क्या हुआ, और उन्होंने म्यूजिक सीख लिया। अब क्या होता है, सीखने के बाद क्या होता है कि वो बहुत सारी यूपी टूर पर जाती हैं, घूमती हैं, म्यूजिशियन से मिलती हैं, बहुत सारे ऑडिशन देती हैं, अब वो एक फेम हो गई है तो ऑडिशन देती हैं, है ना, म्यूजिक सीख लिया है, कॉन्सर्ट भी करती हैं। अब होता क्या है कि एक बार एक मल्टी म्यूजिशियन से, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस की मीटिंग थी,
मीटिंग क्या था कि एक्चुअली में इट वॉज द डिस्कशन, ये क्या था, डिस्कशन था किसी म्यूजिक को लेकर, तो वहां पर ये भी जाती है, वहां पर क्या होता है ये भी जाती है, लेकिन ये डेफ थी, शी वॉज डेफ, लेकिन वहां एक शॉकिंग चीज क्या होती है कि इवन शी वॉज डेफ बट शी पार्टिसिपेटेड इन दैट डिस्कशन एंड शी कम्युनिकेट है ना ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल, क्या होता है वो बहरी होने के बाद भी उन्होंने उनकी बातों को सुना, लोगों की बातों को उनको रिप्लाई किया, तो ये बड़ा एक शॉकिंग है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो कैसे लोगों की बातों को सुन सकता है, उनको रिप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ बताया गया है कि क्या था कि वहां पर वो लोगों का जो माउथ एक्सप्रेशन था, जो लोगों के जो माउथ एक्सप्रेशन थे क्या था कि उसको देखकर समझकर मूवमेंट से उन्होंने लोगों की बातों को समझा, ये बता दिया कि मैं बचपन से भरी नहीं थी, जो प्रॉब्लम थी मुझे 8 साल के बाद हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया 8 साल के बाद हुई थी तो उससे पहले तो वो सुन सकती थी, तो उनको ये आइडिया था, ये उन्होंने शुरू में ऑब्जर्व कर रखा था ना कि लोग कैसा बोलते हैं तो माउथ से क्या एक्सप्रेशन आता है, तो बताते हैं कि मेरे लोगों के माउथ एक्सप्रेशन से मैंने लोगों की बातों को समझा और मैंने रिप्लाई किया और बोलती, लेकिन लेकिन क्या होता है कि सम टाइम आई है ना आई फेस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी कि अ पर्सन हु हैज बियर्ड है ना, तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज है ना ही से, क्या बताती है वो बताती है कि लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि जो लोग की लोगों की दाढ़ी होती थी बियर्ड, तो बियर्ड से क्या था कि बियर्ड से उनका माउथ कवर होता था, तो उनका जो लिप्स का जो मूवमेंट था, जो बॉडी का जो माउथ के जो एक्सप्रेशन थे मूवमेंट थे वो क्लियर नहीं होते थे, तो वो उन लोगों को समझ नहीं पाती थी, ये बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1991 में उनको एक सोलोइस्ट अवार्ड मिलता है, जो बहुत बड़ा अवार्ड था खुद में, जेम्स ब्लेड की बहुत सारी प्रेस करते हैं, ये भी एक पर्सन थे, प्रेस करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने हार्डवर्क से इतना सब कुछ अचीव किया। उसके बाद क्या होता है ये बताते हैं आप अपने बारे में कि मैं बहुत ही वर्कहोलिक थी, मतलब मैं बहुत ही हार्ड वर्कर थी, मैंने कभी भी काम से जी नहीं छुड़ाया, मैं कभी भी काम से रन अवे नहीं हुई, मैंने हर कंडीशन को फेस किया है ना और उसको सॉल्व आउट किया, तब मेरे को बोलती है कि जब ये फेम हो गई उन्होंने खुद सीख लिया, तो बोलती है कि मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट किए थे फ्री में, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, बहुत सारे सोशल वर्क मैंने किया था और मैंने बहुत सारा मेहनत किया था, और बोलती है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा क्या है, सिर्फ मेरा हार्ड वर्क है, इसमें मेरा लक का कोई रोल नहीं है, किसी और का रोल नहीं है, जो कुछ भी मैंने किया मैंने खुद अपने आप अचीव किया है, और जो भी मैंने मेहनत की थी, जो मैंने हार्ड वर्क किया था, वो सारा का सारा हार्ड वर्क का ही रिजल्ट है कि आज मैं ये इस मुकाम पर पहुंची हूँ, मैंने ये कितना कुछ अचीव किया है। तभी आगे इसमें बताया गया कि एनी लेजेंड एक और पर्सन थे जो मिशन थे है ना, तो इन्होंने बताया है ना, इन्होंने तारीफ की थी इनकी कि अगर लाइक इवेलिन ग्लेनी है ना, शी इज इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सन है ना, वो बिलोंग टू हर कैटेगरी, यानी उन्होंने क्या बताया कि इवेलिन ग्लेनी ऐसी लड़की और दूसरे लोगों के लिए क्या है, वो इंस्पिरेशन है, क्या है इंस्पिरेशन, एक उम्मीद है, एक उनके लिए एक ऊर्जा का है ना सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि अगर एक डेफ लड़की मिशन बन सकती है जो कि एक बड़ा चैलेंज है, कि इम्पॉसिबल थिंग मान सकते हैं इसको, क्योंकि है ना विदाउट हियरिंग यू कैन नॉट एक्सप्रेस और से और डू इन म्यूजिक, कि म्यूजिक में बिना सुने हुए आप कैसे कौन सा सुर, कौन सा ताल, कौन सा ट्यून, क्या वॉल्यूम है इसका, क्या इसका पिच है ना, क्या इसका इको है, जो उस बंदा सुन नहीं सकता वो म्यूजिक को क्या समझेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या था कि इन चीज होती है, तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हर चीज पॉसिबल है, बस लोगों को सिर्फ सीख लेनी चाहिए बिल्कुल लेनी से, कि जिस दुल्हन की डेफ होने के बावजूद भी इसने अपनी लाइफ में वो मुकाम अचीव किया जो कि कान वाले लोग नहीं सुन पाते, सॉरी कर पाते, तो इस तरह की स्टोरी थी इसमें, आई होप समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा कि देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इफ यू आर डिटरमाइंड है ना, एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड यू आर अ हार्ड वर्कर, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग, देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल, कि अगर आप हार्ड वर्क हो और खुद कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा कोई भी चीज लाइफ में नहीं है जिसको आप पॉसिबल ना कर सको। तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में स्टोरी आ गई होगी, इसका सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
लाइक एंड शेयर, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके आसपास जो आपके पढ़ने वाले और भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या करें, शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।